नमस्कार दोस्तों, आज हम जाएंगे एक नए सफ़र पर और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सूरत का ये एक ऐतिहासिक मंदिर। तो चलिए आप मंदिर देखिए और इसके साथ ही मंदिर की जो खास बातें वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ये एक तीन पत्ती वाले बरगद का पेड़ का मंदिर है। तीन पत्ती ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। वीडियो कहीं भी स्किप किए बिना ध्यान से सुनिएगा। जब दानेश्वरी राजा कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल हो गए तो भगवान कृष्ण ने राजा कर्ण की उदारता की परीक्षा लेने के लिए साधु का भेष धारण किया और राजा कर्ण से उन्हें कुछ दान देने के लिए कहा। तब राजा कर्ण ने अपने सोने के आभूषण तोड़ दिए। इस दान से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा कर्ण ने वरदान मांगा और कहा कि मैं कुंवारी माँ का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार भी कुंवारी भूमि पर ही होना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण और सभी पांडव सारे तीर्थ यात्रा कर सूरत के इस जगह पर आए और राजा कर्ण के शरीर का यही अंतिम संस्कार किया। जब पांडवों ने भगवान कृष्ण के समक्ष कुंवारी भूमि के बारे में संदेह व्यक्त किया तो भगवान कृष्ण ने राजा कर्ण को प्रकट किया और आकाशवाणी की कि अश्विनी और कुमार मेरे भाई हैं और तापी मेरी बहन है और कुंवारी भूमि पर ही मेरा अंतिम संस्कार किया गया है और जिस पर तुम्हें संदेह है वह हमारा सगा नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। तब पांडवों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमें यह तो पता चल गया कि कर्ण का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ है, लेकिन आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वहाँ एक तीन पत्तों वाला पेड़ होगा जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक होगा और जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा राजा कर्ण के वैभव से उसकी इच्छा पूरी होगी। तो ये थी कहानी तीन पत्ते वाले के मंदिर की। ये कहानी मुझे मंदिर के प्रांगण में पढ़ने को मिली जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और एक ही जगह पर आपको अनेक भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मंदिर आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है,